सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्टा। मैं हूं आपके साथ सादिक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप वीएस कोड में कोडिंग करते हैं रिलेटेड टू एनी वेब डेवलपमेंट और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन आपने बहुत बार देखा होगा, स्पेशली मैं वेब डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, कि जब भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं अगर HTML पेज अगर कोई सा भी क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं index.html पेज यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्रॉब्लम पे अटके हुए हैं कि आप VS कोड यूज़ करना पहली बार शुरू किए हैं, आप अपना index.html फाइल तो बनाते हैं VS कोड में, लेकिन और लाइव सर्वर भी डाउनलोड कर चुके हैं, एक्सटेंशन जो आपका लाइव सर्वर है, मैं एक बार बता देता हूँ। लाइव सर्वर एक्सटेंशन जो है आपने, ये वाला लाइव सर्वर एक्सटेंशन बाय रिट्विक टे, ये वाला भी इंस्टॉल कर रखा है, और आपका ये ऑप्शन भी आ रहा है आपका राइट क्लिक करने पे, ये ओपन विथ लाइव सर्वर ऑप्शन भी आ रहा है, फिर भी आपका लाइव सर्वर ओपन नहीं हो रहा, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। आप सिंपली जाके मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख ले कि वाई माई फाइल्स इज नॉट ओपनिंग या वाई फाइल एंड फोल्डर इज नॉट ओपनिंग यूजिंग VS कोड, ऐसा करके कुछ टाइटल है। आप उस वीडियो को ध्यान से जाके देख लें, और मैं डिस्क्रिप्शन और आईबॉक्स दोनों में ये वीडियो को लिंक दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेन एजेंडा है वो मैं ये बताने वाला था कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल में लोग HTML पेज बनाते हैं। जैसे कि मैं एक HTML बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये मैंने कैसे डाला, ये मैंने सिंपली कैसे डाला, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। ये बॉयलरप्लेट इसे कोड कहते हैं। देखिए, आपको सिंपली यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करना है, और फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो आपको एक बॉयलरप्लेट कोड बन के मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या टाइप कर देता हूँ, एक मार्क्यू के साथ, ताकि ये टेक्स्ट मूव करता हुआ हमें अच्छे से दिखे। हेलो, वेलकम टू सादिक YouTube पेज। ठीक है, ये अपना सिंपल सा एक YouTube पेज है। अगर मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सा HTML पेज है, जहाँ पे मार्क्यू की वजह से ये टेक्स्ट मूव कर रहा है बस। लेकिन यहाँ पे मेन आज का एजेंडा क्या है कि हमें YouTube पेज के बाद एक इमोजी लगाना है। लेकिन भाई, हमारा VS कोड तो ऐसा कोई ऑप्शन देता नहीं है कि यहाँ पे हम इमोजीज यहाँ पे इंसर्ट कर सके कहीं से। कोई इमोजी पैनल तो है नहीं हमारे पास। लेकिन हमने तो बहुत सारे डेवलपर्स को यूट्यूब पे देखा है कि वो बहुत इजीली कुछ टाइप करते हैं कोलन और उस इमोजी का नाम, और वो इमोजी आ जाता है। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों, ये नहीं होगा बिना किसी एक एक्सटेंशन के। तो वो कौन सा एक्सटेंशन है, चले जानते हैं। तो चलिए, हम अपने एक्सटेंशन बार पे जाते हैं। ये जो लेफ्ट पैनल आपको दिख रहा है, इस पर आप एक्सटेंशन पे जाना है, और आपको सिंपली वहाँ पे क्या लिखना है मैं बताता हूँ। सेम टाइप कीजिएगा, इमोजी स्निपेट। जैसे ही टाइप कीजिएगा सर्च होने के बाद, आपका जो पहला आता है इमोजी स्निपेट बाय डेव सेट स्टूडियो, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। देख लीजिए, इसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, और आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कैसे यहाँ पे आप इमोजीज अपने फाइल्स में, जैसे यहाँ पे डिटेल्स में देखिए, इमोजी स्निपेट्स हेल्प्स डेवलपर्स टू इंसर्ट इमोजी ऑन देयर फाइल्स। यू कैन यूज दिस इमोजी इन PHP, HTML, JS, CSS, React एंड मोर। तो दोस्तों, कैसे इसको यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। आप इसे पढ़ भी सकते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये पढ़ लिया करें। तो चलिए, मैं इसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ इंस्टॉल कर लीजिए। एक बार इंस्टॉल हो जाता है आपका, तो मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। और चलिए, मेरा क्या एजेंडा था, मैं यहाँ YouTube पेज के बाद एक इमोजी डालना चाहता था। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक रॉकेट का इमोजी डालता हूँ। आपने देखा होगा कि रॉकेट का इमोजी बहुत कूल दिखता है। तो चलिए, अभी यहाँ पे इमोजी डालने का एक ही मेन फंडा है। आपको करना क्या है, आपको कोलन यानी डॉट डॉट सिंबल डालना है। कोलन, देखिए मैंने कोलन सिंबल डाला, उसके बाद देखिए आपको बहुत सारे सजेशन आ रहे जो पहले सजेशन नहीं आते थे। ये सजेशंस मेनली आपके इमोजीज के सजेशंस है। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर रॉकेट डालना है, तो मैं यहाँ पर रॉकेट सर्च करता हूँ, स्पेलिंग सही, ROCKET। देखिए, रॉकेट का सजेशन आ गया, मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए, आपके सामने रॉकेट का इमोजी आ गया। तो फ्रेंड्स, कितना कूल है ना ये। अगर आप इसके साथ कुछ भी और डालना चाहते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे ये रग्बी फुटबॉल, रोल ऑफ पेपर, ऐसा बहुत सारे इमोजीज के ऑप्शंस दे रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रोज भी डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं रोज भी आ गया। स्माइलिंग कैट या कुछ वैसा करके देखिए, स्माइलिंग कैट फेस विथ ओपन माउथ, स्माइलिंग फेस विथ हेलो, आप कुछ भी ऐसा इमोजी डाल सकते हैं। और मेरा ओपन विथ लाइव सर्वर से किया ही हुआ है, तो मैं चल के देखता हूँ कि मेरा इमोजी अभी यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, क्या कुछ प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा इमोजी यहाँ पे आ गया, और कितना ही कूल ये दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैं इसे फुल जूम कर दिया हूँ ताकि आपको वो इमोजी दिख सके।
सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इमोजीज कितने कूल लग रहे हैं। अगर आप ऐसे इमोजी अपने वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान, एक तो पहला आपका आसानी भी होगा, दूसरा ये बहुत कूल दिखेगा और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे कोड की वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं से इंसर्ट नहीं कर रहे, जस्ट कोलन डाल रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई भी अगर